हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज का अपना नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज हम क्राफ्ट बनाने जा रहे हैं वो एक हमारा वॉल हैंगिंग है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है, ये हमने MDF बोर्ड ले लिया है और स्केल की हेल्प से हमने इसको बिल्कुल हाफ में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। तो देखिए, इस तरह से आप इसका सेंटर निकाल लीजिए और फिर आप इस तरह से कंपास की हेल्प से इस पर आप इस लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और इस तरह से फ्रेंड्स, आप एक इसमें मिडल में एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। और देखिए, मैंने एक एक स्केल का डिफरेंस लेकर यहाँ पर मैंने ये लाइंस ड्रॉ की हैं। आप भी इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर एक ट्रेसिंग पेपर पर एक पिकॉक का मैंने पहले एक पिक्चर ड्रॉ कर लिया था, तो आप भी इसके नीचे एक कार्बन पेपर लगा करके आप इसको अच्छे से टेप से सिक्योर कर लीजिए ताकि ये आपका पिक्चर कहीं पर भी हिले ना। ये ड्राइंग है तो ये इधर उधर नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको अच्छे से पेंसिल से अब धीरे धीरे आप इसकी बाउंड्रीज को इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए। और इस तरह से फ्रेंड्स, कंप्लीट होने के बाद जो आपने टेप लगाई थी आप उसको निकाल दीजिए और जो ये एक्स्ट्रा हमारे लाइंस थे इनको इरेजर से अच्छे से आप इसको इरेज कर दीजिए। अब देखिए, मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है, तो आप इसमें से हाफ पोर्शन आप दोनों में से आप ले लीजिए और इनको अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए तब तक कि इसका कलर बिल्कुल सेम ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप थोड़ा सा पाउडर का भी यूज़ कर लीजिए क्योंकि ये थोड़ा हाथों पर चिपक जाती है, तो अपने आप हाथों का भी ध्यान रखिए। और देखिए, इस तरह से धीरे धीरे आप इसको लंबा लंबा अच्छे से बेल लीजिए। अब हमने जो पहले से लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर आप अच्छे से फेविकोल लगाइए और इस लाइन को आप अच्छे से इस तरह से लगा दीजिए। और फ्रेंड्स, आप जहाँ पर भी आप क्ले को आप ज्वाइन करते हैं उसको बहुत ही सावधानी से आप इसको इस तरह से कंप्लीट करिए, थोड़ा फिनिशिंग के साथ। जब आप वर्क को फिनिशिंग के साथ करेंगे तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो देखिए, इस तरह से आप धीरे धीरे आप इसको अच्छे से मिला करके आप इसको प्रेस करके थोड़ा सा अच्छे से ज्वाइन कर दीजिए और इसको सूखने दीजिए। तब तक हम इसके लिए थोड़ी छोटी छोटी लीव्स हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से लीव्स को तैयार कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सेंटर पर ये लंबी लंबी लाइंस हम इस तरह से बनाकर हम इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 3 लाइंस ड्रॉ की थी, तो आप इन 3 लाइंस पर आप अच्छे से इसी तरह से मोल्डेड क्ले को आप अच्छे से बेल लीजिए और इस तरह से आप इस वर्क को अपना कंप्लीट कर लीजिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया, आप जहाँ पर भी आप 2 लाइंस को ज्वाइन कर रहे हैं उनको अच्छे से आप फिनिशिंग के साथ ही कंप्लीट करें, तभी आपका वर्क अच्छा दिखाई देगा। अब इसके बाद बारी आती है फ्रेंड, जो हमने लीव्स बनाई थी आप उनको अच्छे से इस तरह से फेविकोल लगाकर आप इनको सेट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा थोड़ा कंप्लीट होता जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए सर्कल को। और इस तरह से कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स, बारी आती है हमारे पिकॉक की। तो सबसे पहले हम लोग इसके पंख बना लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे बूंद शेप के मैंने यहाँ पर इस तरह से मैंने ये बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। और मैंने मोल्डेड क्ले से बनाए हैं इनको, तो आप इनको थोड़ा पतला बेलिए तभी ये हमारे सुंदर दिखाई देंगे। ज़्यादा इन पर आपको मोटी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस तरह से इनको कंप्लीट कर लीजिए। और देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़े सर्कल में भी मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। आप भी इसी तरह से इसको लगा करके कंप्लीट कर लीजिए। अब इसके बाद बारी आती है फ्रेंड, जो हमारा बाकी आधा पोर्शन बच गया है उस पर वर्क करने की। तो उसके लिए मैंने ये छोटे छोटे मैंने ये शेप बना ली है, तो आप इसको इस तरह से आप जो कंप्लीट कर लीजिए।
मैंने बहुत सारी बना ली हैं, तो आप भी इनको ड्राई होने दें या फिर आप ऐसे भी इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा पिकॉक का फेस हमारा बचा था, तो आप इस तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिए और इसको पतला पतला बेल कर ये फ्रेंड्स लगाएं, तभी आपकी फिनिशिंग क्राफ्ट में दिखाई देगी। अब देखिए जो हमने पहले से जो ये ड्रॉप बनाकर हमने रखी थी, अब जो हाफ पोर्शन जो हमारा बचा था, अब आप उसमें जाकर इसको अच्छे से पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। और जब आपका ये वर्क कंप्लीट हो जाए फ्रेंड्स, आप इसको ड्राई होने के लिए रख दीजिए। और उसके बाद बारी आती है फ्रेंड्स बेस लगाने की। तो हमने यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ किया है, तो आप भी इस तरह से वाइट एक्रेलिक कलर एक कोट कर लीजिए, उसके बाद ड्राई होने दीजिए और फिर आप फिर से एक कोट और कीजिए, उसके बाद देखिए आपकी फिनिशिंग दिखाई देगी। अब हम पिकॉक में हम एक टर्कोइश मैंने ब्लू यहाँ पर कलर किया है, तो आप भी इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए इसको। और इसके फेदर्स में मैंने ग्रीन कलर किया है, तो आप इस तरह से ग्रीन कलर को लगा करके आप इसको कंप्लीट कर लीजिए और इसको ड्राई होने के लिए फ्रेंड छोड़ दीजिए। तो मैंने यहाँ पर जो सर्कल में थोड़ी लाइन लगाई थी, मैंने उनके ऊपर मेहरून कलर कर दिया है। तो देखिए इससे और भी हमारा क्राफ्ट सुंदर होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। अब मैंने यहाँ पर पिकॉक की जो मैंने शेप बनाई थी, उस पर मैंने बाउंड्री पे थोड़ा लाइट कलर लिया है, टर्कोइश ब्लू से थोड़ा सा मैंने इसके अंदर वाइट ऐड कर दिया था। तो इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। और इस तरह से आप इसको, अब हम इसको थोड़ा और डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैंने इसके अंदर छोटी छोटी डॉट्स लगा कर मैंने इसको कम्प्लीट किया है। तो आप भी फ्रेंड्स इसी तरह से इसको कम्प्लीट कीजिए। तो आप इसके जो पंख है उसमें भी इसी तरह से आप इसको डॉट लगा दीजिए, और डॉट लगाने के बाद फ्रेंड्स इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। लास्ट में मैंने क्या किया है, इसमें मैंने ऑरेंज कलर से छोटी छोटी मैंने इसमें डॉट लगा दी हैं। आप भी उसी तरह से इसमें डॉट लगाकर इस पिकॉक को कंप्लीट कर लीजिए। और फ्रेंड्स एक कोट वार्निश का लगाने के बाद इसके ऊपर अब आप करें मिरर वर्क। तो देखिए मेरे पास जो मिरर्स थे, मैंने उनको इसी तरह से मैंने उनको लगाकर कंप्लीट कर लिया है। तो आप भी इसी तरह से इस पर मिरर वर्क अपना कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर से मैंने मिरर्स के बीच में छोटी छोटी, तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे क्राफ्ट का फाइनल लुक। और देखिए कितना सुंदर ये हमारा वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हुआ है। वाइट कलर की वजह से फ्रेंड जो हमारा ये पिकॉक हमने जो इस पर बनाया था, ये बहुत ही सुंदर हमारा निकल कर आ रहा है। आप इस वॉल हैंगिंग को अपने फ्रेंड्स को उनकी एनिवर्सरी, बर्थडे या किसी भी अच्छे ओकेजन पर आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट आपका बनकर ये तैयार हो गया है फ्रेंड्स। और इसी तरह से आप क्राफ्ट बनाते रहिए और अपने घर को सजाते रहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ फ्रेंड्स कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको हमारा क्राफ्ट कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर।